होता है जो कि आपको बहुत ज़्यादा खर्चा कर सकता है, जिसमें 35,000 रुपये का इंजन होता है। तो ये गलती कभी भी नहीं करनी किसी ने भी। तो हमें सारे चारों जो इसके नट खोल दिए, तो खोलने के बाद कुछ एयर फिल्टर की कंडीशन ऐसी है। तो मोटर्स पर तो कैसे अपनी ऑटो फैमिली आपकी बहुत बहुत बढ़िया होगी। तो यार बहुत दिनों बाद जो है ना आज ब्लॉग लेके आए आप लोगों के लिए, तो सॉरी गाइस इस बीच में जो हम गैप दे देते हैं ना, तो उसी के लिए सॉरी, क्योंकि एक्चुअल में जो है ना जॉब का भी बहुत ज़्यादा फंडा है, तो जॉब भी संभालनी हमारे लिए ज़रूरी है। तो परमानेंट जो है ना हम यूट्यूब के ऊपर नहीं रह सकते। तो अगर आप चाहते हो कि हम परमानेंट यूट्यूब के ऊपर रहें, तो आप लोगों ने क्या करना है, सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब करके कमेंट प्यारा सा जरूर करना है, ताकि हम मोटिवेट है आप लोगों की बातों से और अच्छी अच्छी वीडियो और अच्छी अच्छी मोटिवेशन आप लोगों के लिए लेके आते रहे। कि आज हम अपनी बाइक के अंदर जो है ना एयर फिल्टर आफ्टर मार्केट इंस्टॉल करने वाले हैं। वो एयर फिल्टर क्या रहने वाला है, जैसे कि कई बार हम ना एग्जॉस्ट लगाते हैं लेकिन हम एयर फिल्टर के ऊपर ध्यान नहीं देते, तो वो आज हम लगाने वाले हैं ताकि हमारी बाइक का जो परफॉर्मेंस है अच्छा हो जाए, काफ़ी अच्छा हो जाए, और स्पीड में भी जो है थोड़ा सा फ़र्क आएगा। और अपना ब्लैक पैंथर, तो मतलब यार कितना ज़बरदस्त है ना, जितने उसमें निहारो बस देखते रहो, दिल नहीं भरता यार इसको देख के, मतलब बहुत प्यारी तैयार होती है। और कुछ टाइम में जो है ना हम इसके ऊपर अपना ग्राफिक भी कराने वाले हैं, जो कि बहुत अल्टीमेट होने वाला है बाइक के ऊपर। तो अभी जो कलर की चॉइसिंग चल रही है कौन सा कराया जाए, तो एक बार जो है ना आप लोगों को मैं अपना एयर फिल्टर चेक कराता हूँ। एयर फिल्टर हम कौन से वाला इसके अंदर जो है डालने वाले हैं, ये है आज का फिल्टर जो हम अपनी बाइक के अंदर इंस्टॉल करने वाले हैं, BSDDP का। मतलब काफ़ी अच्छा और थोड़ा सा कॉस्टली है, लेकिन बहुत ज़्यादा बेटर है। आपको मार्केट के अंदर जो है ना काफ़ी सारे जो इसमें देखने के लिए मिल जाएंगे, जो 250 रुपये से स्टार्ट होते हैं, लेकिन जो मैंने ये वाला चूज़ किया है, तो इसके जो कॉस्ट आई थी 650 की मेरे को कॉस्ट पड़ी है, और काफ़ी अच्छा ये रहने वाला है आज का, और इसकी जो है आवाज़ ही बड़ी ज़बरदस्त रहने वाली है। तो मैं आज प्रोसीजर बताऊँगा कि हम किस प्रोसीजर से जो है ना इसको फिटिंग करने वाले हैं। तो करते हैं स्टार्ट। और एक चीज़ मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूँ, बड़ी प्यारी सी क्यूट सी चीज़ है जो आप लोग काफ़ी लाइक करोगे, तो आप लोगों ने भी वो चीज़ ज़रूर करनी है गाइस। उसकी मैं दिखाता हूँ एक बार। सो गाइस चेक करो, एकदम तसल्ली से सो रहा है, कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं, किसी को लेना नहीं देना नहीं, कोई कर्जा नहीं देना इस बंदे ने, देख रहे हो। और ये कम से कम मेरी दुकान के अंदर आधे घंटे एक घंटे से सो रहा है, कोई टेंशन नहीं है इस बंदे को। और जगह देख लो कहाँ मिलती है इसको सोने के लिए, मेरे को कोने में आके सोता है, पंखे के नीचे आराम से सो रहा है। खैर इसको जगाएंगे नहीं, इसकी नींद हम तोड़ेंगे नहीं फिलहाल के लिए। और इस बच्चे के लिए सब लोगों ने लाइक करना है गाइस, बहुत ज़्यादा प्यारा है, बहुत ज़्यादा क्यूट रहा है। अभी ना थोड़े दिन पहले इसके टांग पे भी ना किसी मतलब गाड़ी वाले ने जो है गाड़ी चढ़ा दी थी, यहाँ पे वाला पैर में शायद इसके फ्रैक्चर आया था, तो मतलब पट्टी पुट्टी करके एकदम ओके कर दिया था इसको। तो बहुत क्यूट सा बच्चा है यार, आप लोग भी मतलब स्ट्रेट डॉग की इज्जत किया करो, संभाला करो इन लोगों को, क्योंकि इनका कोई नहीं है, इंसान ही है जिसको प्यार कर सकते हैं, ये प्यार के ही भूखे होते हैं यार। तो इस वक्त दुकान के अंदर जो है ना पंखा चल रहा है, और मेरी वेबसाइट में आप जो देख रहे हो ना, ये अपना छोटा सा गैराज है जिसके अंदर आज हम बहुत चीज़ मॉडिफिकेशन करते हैं, काफ़ी अच्छी अच्छी मॉडिफिकेशन करते हैं। तो आज मेरे साथ रहने वाला है ओम, तो ओम का भी जो है ना यूट्यूब चैनल है, बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज बनाते हैं ट्रैवलिंग के ऊपर जो है ना, काफ़ी अच्छी अच्छी करते हैं। क्या नाम है यार अपने? मोटो ब्लॉगर। मोटो ब्लॉगर ओम, तो फटाफट से जाओ और सर्च कर लो, सर्च करने के बाद सीधा जाके सब्सक्राइब का बटन दबा दो, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अपने वाले को तो सब्सक्राइब कर ही लेना गाइस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, ताकि आपको अच्छी अच्छी वीडियो हम लेके आते रहें। और करते हैं स्टार्ट बड़ा वर्ड से, और इंस्टॉल करते हैं अपना एयर फिल्टर, टंकी खोलते हैं सारा कुछ, क्योंकि काफ़ी लंबा जो है इसमें काम रहने वाला है। करते हैं स्टार्ट इसको और ख़त्म करते हैं, फिर आपको जो है आवाज़ सुनाएंगे और क्या प्रोसीजर रहने वाला है, करते हैं फिर स्टार्ट। तो भाई लोग अपनी पैंथर जो है ऑलमोस्ट खुल चुकी है, तो ये सारा अपना टूल बॉक्स यहाँ पर पड़ा हुआ है, और ये देख सकते हो मतलब सीट वगैरह हमने इसे प्रॉपर तरीके से उसकी उतार दिया है। और यहाँ पे जितने भी इसके नट वगैरह होते हैं यहाँ पे, ये और इसके टंकी के नीचे काफ़ी सारे नट होते हैं, हमने सारा कुछ ओपन कर दिया। तो देख सकते हो कुछ खुलने के बाद हमारी ब्लैक पैंथर ऐसी लग रही है। और अब इसके नीचे जो हमारे अपना पाइप वगैरह है उसको थोड़ा सा खोलना है, उसके बाद अपनी टंकी रिमूव हो जाएगी, फिर उसके बाद हम एयर फिल्टर का आपको साउंड सुनाने वाले हैं। ब्लैक पैंथर खुल चुका है, खुलने के बाद देखो कैसा लग रहा है ये, तो बिना टंकी कुछ ऐसा दिखने वाला है। और बिल्कुल देखो अंदर क्लियर पड़ा है, क्लीन पड़ा है, मतलब हम कभी यहाँ पे कपड़ा भी नहीं मारते, लेकिन साफ ऑलमोस्ट पड़ा है, क्योंकि मैंने पिछली बार सर्विस में ना यहाँ पे सारे में स्प्रे कराई थी ताकि ये क्लीन हो जाए। तो अब रह गया अपना एयर फिल्टर बॉक्स खुलेगा, उसके बाद गोल वाला डल जाएगा, तो अब उसको टेस्ट करते हैं कैसा डालना है। तो गाइस अपना एयर फिल्टर बॉक्स हमने सारे चारों जो है इसके नट खोल दिए, तो खोलने के बाद कुछ एयर फिल्टर की कंडीशन ऐसी है, तो देख सकते हो कुछ ऐसा एयर फिल्टर अभी फिलहाल के लिए नज़र आ रहा है, कितनी ही बुरी हालत हो रखी है देख सकते हो। तो अब करता हूँ आप लोगों को अच्छे से कैप्चर हो गया होगा जो देखो, और अंदर भी जो है ना फिल्टर बॉक्स अच्छा खासा क्लीन है, तो मतलब कुछ ऐसी हालत दिख रही है आप लोगों को, चेक कर लो एक बार। और
बारी आती है अपने एयर फिल्टर की, जो हम ये न्यू वाला इंस्टॉल करने वाले हैं इसमें। और मैं एक तरीका भी बता देता हूँ, मतलब इसका फ़ायदे क्या होने वाले हैं, कैसे आप लोगों ने इंस्टॉल करना है मैं बता देता हूँ। कुछ लोग ना जो एयर फिल्टर बॉक्स होता है, मैं एक बार चेकआउट कराता हूँ आपको, क्या करते हैं ना, ये वाला जो एयर फिल्टर बॉक्स है ये पूरा का पूरा निकलवा देते हैं। निकलवाने के बाद क्या करते हैं, इसी एयर फिल्टर के पाइप में जो है इसको गोल वाले को इंस्टॉल कर देते हैं, सिर्फ किस चीज़ के लिए, एक आवाज़ के मज़े के लिए, जिसकी वजह से आपकी बाइक का जो एयर इनटेक है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपका जो है अपना पिस्टन है वो बहुत जल्दी ख़राब होने लगता है, मतलब बहुत जल्दी जो है ख़राब हो जाएगा। तो उसी का कोई फ़ायदा नहीं है, तो कभी भी ये गलती मत करना, एयर फिल्टर बॉक्स गलती से भी मत हटाना, और इसी चीज़ में जो है इसको करके लगा के आपने इसको बंद कर देना है। तो इंस्टॉल करते हैं फटाफट से, इस चीज़ को हल्का सा काटना पड़ेगा क्योंकि इसका मुंह प्रॉपर होता है, बराबरी होता है, और फिट करते हैं फिर आप लोगों को एक बार। सो यहाँ से हमने जो इसको कटिंग कर ली है, क्योंकि इसका फेस काफ़ी आगे से चौड़ा होता है, बड़ा होता है, और इसका जो फेस है इसके बराबर का रहता है। तो अब इसको जो है इसको यहाँ पर इंस्टॉल करने वाले हैं। इंस्टॉल करने के बाद जैसे अभी आपको दिख रहा है, यहाँ से ऐसे इंस्टॉल हो जाएगा ये, उसके बाद जो है इसका साउंड बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगा और पावर भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी इसके अंदर। तो फिर इसके बाद जो इसका डब्बा है ऊपर वाला, उसको बंद कर देंगे, उसके बाद जिसमें डस्ट आने की बहुत ज़्यादा कम संभावना हो जाएगी। लेकिन कभी भी आप अगर ये वाला एयर फिल्टर लगाते हो ना, तो कभी भी गलती से ये वाला बॉक्स नहीं हटाना, और इसका जो ऊपर का ढक्कन है वो गलती से भी नहीं हटाना आप लोगों ने, क्योंकि इंजन के ऊपर बहुत वाला गलत वाला इंपैक्ट पड़ता है, जो कि आपको बहुत ज़्यादा खर्चा कर सकता है, जिसमें 35,000 रुपये का इंजन होता है। तो ये गलती कभी भी नहीं करनी किसी ने भी। तो हमेशा अगर फिल्टर लगाना है तो इसको हमेशा अंदर लगाओ और ऊपर से बंद कर दो, ताकि आपकी बाइक का जो है लॉन्ग लाइफ इंजन रह सके। तो अभी के लिए हमने जो कटिंग करते हैं उसको फिटिंग करते हैं, टाइट करते हैं, फिर अगले आपका साउंड सुनाते हैं, पावर दिखाते हैं। बस भाई आपको ये चूड़ी सी कसनी होती है इसमें लगा के, बस और कुछ नहीं करना होता आपको। तो गाइस फाइनली जो अपनी पैंथर को जो हमने पूरी तरीके से पैक कर दिया, पैक करवा मैं दिखा देता हूँ, मतलब एक एक जो नट है जहाँ जहाँ था हमने प्रॉपर लगा दिया। सो ये ब्लैक अपना ब्लैक पैंथर यहाँ पे खड़ा है, और फुली अब एग्जॉस्ट का जो है साउंड है ना वो भी बिल्कुल तरीके से चेंज हो चुका, पटाखे मार रही है, और फिल्टर हमने प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल कर दिया। एक बार साउंड सुना देता हूँ आप लोगों को। तो कुछ अभी ऐसा साउंड है इसका, आइडल साउंड ऐसा हो रखा है, मतलब काफ़ी भारी साउंड हो गया इसका। तो हल्के हल्के जो है ना पटाखे भी छोड़ रही है अच्छे वाले, लेकिन अब जब इसको भगाएंगे ना तो प्रॉपर इसका साउंड आएगा, तो मजा आने वाला है। तो बहुत मजा आया होगा, बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि एक्चुअल में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, क्योंकि एक एक नट को कहाँ कहाँ फिक्स करना है उस चीज़ को माइंड में बहुत ज़्यादा रखना पड़ता है। और एयर फिल्टर की जो फिटिंग आप लोगों को कैसी लगी, होप करता हूँ बहुत मज़ा आया होगा और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप लोगों ने अपने घर के अंदर जो है ना फिटिंग करनी है, तो आप इजीली अपनी बाइक के अंदर इंस्टॉल कर सकते हो। मैं कह रहा हूँ आप कोई भी बाइक हो, आप मुझे कमेंट करो भाई ये वाला यहाँ लगा क्या करना है कैसे करना है, तो मैं आप लोगों की हेल्प जरूर करूँगा, उस चीज़ के ऊपर वीडियो जरूर लेके आऊँगा, ताकि आप लोगों को सीखने को बहुत कुछ मिले, ताकि आप ज़्यादा फालतू अपने पैसे खराब ना कर पाओ, कम बजट के अंदर अपना काम कर सकते हो गाइस। तो होप करता हूँ सब्सक्राइब कर लिया होगा, और प्यारा सा कमेंट आप लोगों का बनता है आपकी बाइक की छोटी सी मेहनत के लिए। तो मिलते हैं फिर नए ब्लॉग में कुछ नया लेके, और